हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर चौथे ब्लॉग में। तो दोस्तों, आपको दिखाएंगे यहाँ पर, आज काफ़ी रश है यहाँ पर रोड पे। आज सैटरडे है तो सैटरडे को काफ़ी भीड़ भड़ाका होता है इधर, तो दिखाएंगे आपको यहाँ पर। आज टाइम नहीं लग पाया, तो दिखाते रहेंगे आपको। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, आज गाड़ियों का मतलब इतनी गाड़ियाँ चल रही है रोड पर, काफ़ी रश है आज, देख सकते हो। देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो ये यहाँ पर रोड ही डाली गई ना, बीच रोड पे डाली गई, तो इससे बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे गाड़ियों को जाने से। वैसे बीच में नहीं डालना चाहिए था। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था यार, मतलब अब क्या बोलूँ, मतलब इतने लोगों को शेयर करते हैं वीडियो, फिर भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। कोई बात नहीं, वो लोग नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वो वही लोग होते हैं जो बाद में, अगर आपके अगर अच्छे सब्सक्राइब हो जाएंगे, आप फेमस हो जाओगे, तो वही लोग होते हैं, अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरा दोस्त है। वो बाद में वही लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपना होगा, जो ये चाहता है कि वो आगे बढ़े, तो जरूर सब्सक्राइब भी करेगा, शेयर भी करेगा आपकी वीडियो, ठीक है। जो आपके अबे अबे क्या कर रहा है, देखो गाइस, ना काम है ना काज है, लोग ऐसे पड़े हैं यहाँ। देखो, मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ, देखो ये सारा तो मेरे, तो रोड पे ला देंगे मुझे, ये तो रोड पे ला देंगे मुझे। देखो, ला रखा रोड पे, देखो पीछे रोड सोचा। क्या नहीं है, काम है नहीं हमारे पास, क्या करें, बैठे हैं अभी हम, शाम को मैच खेलेंगे। अच्छा, शाम को, ठीक है। आज हमारे वैसे रूम आ सकते हैं तो मैच कैसे खेलेगा, तो हम दिन में खेलेंगे, दिन में खेलेंगे, अभी आधे घंटे बाद आपको रोड पे मिलेंगे मैच के लिए। काम के ना काज की तू दुश्मन है अनाज की। आज हमने खाए मूली के पराठे, दिन भर पर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा कि दिन भर आज पेट खराब है। ध्यान से निकला हमका मूली के पराठे। दोस्तों, आप देख सकते हो ये फुटबॉल है, और इसमें जैसे फुटबॉल में गोल करना होता है, इसमें भी गोल करने का है। एक साइड येलो वाला खेलता है और एक साइड व्हाइट वाला, तो जो इधर वाला है इसको इधर गोल करना पड़ता है। जैसे गोल हो गया तो ये एक गोल हो गया, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा गेम है, और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये कैरम बोर्ड है, आपने बचपन में काफ़ी खेला हुआ, देख सकते हो। तो हमारे चाचा जी कैरम खेलते हैं, बहुत प्रो खिलाड़ी है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ना। हाँ जी, गोल्ड मेडल जीता है अपने इसमें, है ना। तो देख सकते हो आप, एक शॉट में भी मारूंगा, लाओ जरा। अरे वाह। तो दोस्तों, ये हमारे चाचा जी हैं, अभी घर जा रहे हैं। कितने टाइम बाद आ रहे हो चाचा घर? एक महीने के बाद। एक महीने के बाद घर जा रहे हो? नहीं, एक महीने के बाद आऊंगा। अच्छा, एक महीने के बाद आओगे। कितने टाइम बाद जा रहे हो घर? पाँच महीने। पाँच महीने बाद घर जा रहे हो, तो क्या करोगे घर में? घर पर घूमेंगे फिरेंगे, फिर आएंगे। अच्छा, ये उम्र है घूमने फिरने की? सब्सक्राइब कर देना, बोलो। हाँ। बोल दो, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चाचा ने बोल दिया सब्सक्राइब कर देना, कर देना। हेलो दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं आंटी की कोठी पर ऊपर, देखते हैं आंटी क्या कर रही है, दिखाते हैं आपको। अभी झंडा बहुत शान से लहरा रहा है, भारत के झंडे के लिए एक लाइक और एक कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, अगर आप सच्चे देशभक्त हो। आंटी क्या बोल रहे, आंटी मारो चलो। ओए दे आज, ये अभी नीचे कीड़ा मकोड़ों की तरह लग रहे हैं। क्रिकेट स्टार्ट हो चुका है, ये मारे को ऊपर, ये बॉल आ गई, अटक गई, निकल गई। चलो निकालो आंटी, सांप सूंप देख लेना, सांप ना ये मिल गई बॉल। कितने बड़े बड़े है अजगर, देखो इधर कहां बॉल मिल गई। चलो फेंको नीचे, चल अंकी शॉट मार ऊपर है ये, अरे पूरी नहीं आ भाई। ए, पहुंचा दी फिर,
दोस्तों देख सकते हो ये बिच्छू घास है, बहुत तकड़ी, इससे बहुत करंट लगता है, जितना करंट करंट में भी नहीं होता होगा जितना इस पे होता है। ये मेरे पाँव पे लगी, अभी बहुत जलन हो रही है, इससे बच के रहें, अब जाने कोठे की तरफ। सही में आंटी बताई बहुत प्यारे फूल है, देख सकते हो ये डॉग ऊपर बैठा है। लियो लियो मम्मी ना है। लियो लियो देश का झंडा यहाँ भी लगा हुआ है। तो गाइस यार मेरे लिए ना सही, देश के लिए, देश के झंडे के लिए एक लाइक कर दो अगर आप सच्चे देशभक्त हैं। काटेगा ना अंडी, क्या ना लियो ना लियो बोर हो गया था ना लियो आते दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पीछे कितना अच्छा देवदार का जंगल है और देख सकते हो। और ये हमारी आंटी जी बाहर निकल गई हैं, कब से हम आवाज मार रहे हैं, लेकिन आंटी जी पता नहीं क्या क्या खा रहे थे अकेले अकेले। पत्ते अच्छे हैं उसके है? उसमें सबसे बढ़िया जगह ये है ना आंटी बैठने के लिए, ये आराम से यहाँ पे बोन फायर जला सकते हो आप, यहाँ पे आग जलाओ आराम से, इधर से चेयरें लगा दो बैठ जाओ आराम से सुकून में देवदार। गाइस इस पेड़ को तो जानते होंगे आप, ये भांग का पेड़ है, ये फेमस भांग है, फूल का पेड़ है, हरा भरा पेड़। और दोस्तों और सबसे अच्छी जगह आप ये दे सकते हो, जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी उसमें अच्छे व्यूज आए थे, तो देख सकते हो ये वही जगह है। ये आंटी के अंदर भी बचपन आ गया, बच्चों की तरह झूला झूल रहे हैं। ठीक है आंटी के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। ठीक है आंटी। दोस्तों एक सीढ़ी नीचे के लिए भी है आंटी, इधर आपकी क्यारी है क्या? क्यारी तो नहीं है, बनाने का विचार है। अच्छा बनाने का विचार है। आप देख सकते हो यहाँ पे आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, चाय कॉफी पियो, नाश्ता करो। आप नाश्ता करते हैं यहाँ पे? नाश्ता करते हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं? घर में। आप लोग? आप लोग यहाँ पे? वीडियो में डाला बहुत प्यारा लगता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं लोगों ने कितना पैसा लगाया है, नेचुरल जगह होती ना वैसे बनाते हैं, लेकिन बहुत प्यारा लगता है ऐसी जगह आराम से बैठ जाओ सुनसान में, है ना। तो आप यहाँ पे झूला भी झूल सकते हो, देख लो कितना ऊंचा झूला, आराम से एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पर झूला झूलते रहो आराम से। और ये हमारी आंटी लोग बैठी है यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये झूला है, दो झूले यहाँ पे लगे हैं और आंटी लोग अभी अपनी बातें कर रहे हैं जैसे भी, और देख सकते हैं यार कोहरा कोहरा है अपना, बिल्कुल यार एंजॉय करने वाली जगह है, अपना शांति में सुकून में अपना लाइफ जीना है तो इस जगह आओ, और अगर आपको यहाँ की बुकिंग करनी है तो कॉन्टेक्ट करें। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ के बारे में कि काफ़ी सुंदर जगह है, आपको यहाँ पर मैंने दिखाया अभी एक कोठी है, यहाँ पे आंटी काम करती हैं, तो मतलब बहुत अच्छी जगह, आप यहाँ पर रहने के लिए आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप चाहते हो सुकून वाली जगह होते हैं जहाँ पे शांति मिले, आप यहाँ पे आ सकते हो, जिसको भी आना हो कॉन्टेक्ट करें। ठीक है अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, दोस्तों आपके लिए देखो कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। तो आप पता है आपको क्या करना है। ओके अच्छा, तो हमारे सामने आंटी भी है, आंटी कोठी में काम करती है। आंटी कितने साल हो गए आपको यहाँ पे काम करते हैं? मुझे तो 16 साल हो गया 16-17 साल। पहले हिमालय व्यवस्था ना यहाँ पे डॉक्टर आलम से। अच्छा अच्छा, उनके साथ किया मैंने 15 साल। 15 साल उनके साथ किया, 2 साल इनके साथ। अब वो कहाँ गए? उन्होंने बेच दिया, बेच कर चले गए। अच्छा अब राजपुर की शॉप है उनका।
अच्छा अच्छा, पहले यहाँ पे शॉप था, क्या क्या चीजें बनती थी? अच्छा अच्छा, और जैसे अब अगर किसी को चाहिए होता, क्योंकि परसों नीचे गाड़ी आई थी तो पूछ रहे थे कि हिमालयन व्यू कहाँ है, वहाँ पे हमें स्टॉल वगैरह वगैरह लेना था। अच्छा, राजपुर में अगर किसी को लेना हो तो राजपुर जाना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं मिलता है, पास में ही है। कहाँ पे? कपलानी में। कपलानी में, अच्छा अच्छा, अगर मतलब कोई आएगा तो कपलानी भेजना। किस नाम से वहाँ पे? वही नाम रखा है। जैसे कि उसमें क्या क्या बनते थे, स्टॉल वगैरह वगैरह? स्टॉल, सॉल्स, स्कार्फ बनते थे वहाँ पे ना, दस्ताना, जुराब, टोपी सब मिलते थे। कहाँ से आ रहे? वो आ रहे मुंबई। अच्छा, बम्बई से सीखने के लिए आ रही। अल्मोड़ा में भी है? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, फिर वो काम वहाँ स्टार्ट करेंगे। चलो बढ़िया बढ़िया, तो ये चीजें तो पहाड़ी उससे बनती होगी। हाँ, नेचुरल नेचुरल चीजें, जैसे किस चीज की? भेड़ की ऊन। भेड़ का ऊन का। अच्छा अच्छा, बनते थे वहाँ आती थी उत्तरकाशी से, हरसिल। अच्छा, हरसिल से आती थी? मैं भी उत्तरकाशी से हूँ। अच्छा, अभी भी वहीं से आता है? डुंडा की चीज भी आते थे, डुंडा की चीज होते थे, डुंडा वाला। अच्छा, डुंडा में तो वो चीजें मिलती हैं, ऊन की चीजें। अच्छा अच्छा अच्छा, वही चीज यहाँ भी तो वही मिलती थी। ऊन ऊन वगैरह वगैरह तो वहीं से आती होगी? हाँ, मैं भी आती हूँ। अच्छा अच्छा, आती होगी। अब तो हम तो आई नहीं उनके पास, पास। मतलब आपने भी किया वो काम? हमने, मैं तो 15-16 साल किया वही काम। वही काम किया। अच्छा, मतलब आपको पूरा काम आता है सारा? पूरा काम किया था। उन्होंने कोठी बेची और चले गए। अच्छा, फिर ये जो नया वाले साहब थे इनके साथ लगा दिया मुझे। अच्छा अच्छा, चलो इनके साथ भी ठीक है। अच्छा, मालिक लोग अच्छे होंगे? मालिक लोग अच्छे, बहुत बढ़िया लोग है। अच्छा, अब तो देखभाल करना है बस, अपना बैठे रहना है, साफ सफाई करना है अपना, आराम से, अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया। चलो आंटी, आंटी ने इतनी सारी बातें बताई आपको, तो यार आंटी के लिए लाइक लाइक और कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर दो यार। देखो, ये भी हमारे टीम के मेंबर है आंटी जी, और आंटी जी भी है। हमारी टीम में कितने मेंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, एक आंटी, दूसरी 6-7 लोग हैं हम। 3 आंटियां हमारे साथ काम करती है, ठीक है? तो हम आपको डेली के ब्लॉग बताते रहेंगे, क्या क्या है यहाँ की जानकारियां बताएंगे, पुराने क्या क्या था, कैसा था, ठीक है? आंटी बोल दो, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर देना। आप भी बोला आंटी, लाइक कर देना। लाइक कर देना, लाइक सब्सक्राइब सब कर देना, ठीक है? तो आंटी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है यार, ठीक है? तो दोस्तों, आप देख सकते हो आंटी यहाँ पे आग जला सकते हैं ना, देख सकते हो यहाँ पे बोन फायर जलाते हैं आराम से अपना आग से। अच्छा, यहाँ पे हम नाश्ता लाते हैं, नाश्ता लगाते हैं रात को 12-1 बजे तक, उनका नाचना गाना होता है, अच्छा, खाना पीना होता है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे तो किसी का डिस्टर्ब भी नहीं होता, सबसे ऊंची जगह यहाँ पे है ना, इधर उधर से दिखता ही नहीं है, आवाज भी नहीं आती, आज ही नहीं आता। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी कोठी है, और आंटी बहुत जगह मतलब बहुत अच्छी जगह काम करती हैं। आप देख सकते हो, ना कोई जिक जिक ना कुछ, आराम से। आंटी आंटी के साथ एक डॉग है, एक लियो, ये लियो मेरा दोस्त है, लियो। आंटी का दोस्त है, ठीक है? बस दोनों रहते हैं यहाँ पे, बस कुछ नहीं, बस और कोई कुछ नहीं बोलता है कि क्या करना है, नहीं होता है। और जगह कई बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन नो टेंशन, अपना अपना काम करा, बात करता। और जैसे शहरों में कितना हल्ला गुल्ला होता है, दिमाग खराब, दुनिया भर की टेंशन, यहाँ तो आदमी टेंशन से खत्म है ना, तो टेंशन नहीं। यहाँ का तो मौसम ही ऐसा है कि आदमी की तबीयत ऐसी खुश हो जाए, है ना, तबीयत तो ज्यादा नहीं खराब होती है, क्योंकि अब देहरादून जाओ वहाँ पे तो कितनी गर्मी है, आदमी एक से एक बीमारियाँ, मच्छर, यहाँ तो एक मच्छर भी लगने लगे रात को, हमें काटते हैं। कोई बात नहीं, मच्छर का भी इलाज है। मच्छर से अभी लगने लगे। चलो ठीक है आंटी, अभी चलते हैं, ठीक है? और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, आंटी लोग भी हमारा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब देखो आंटी को याद भी हो गया, ठीक है? तो जैसे आपको जो चीजें डेली हम ब्लॉग लाएंगे, जो चीजें होंगी हम आपको दिखाएंगे, आपको क्या करना है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो देख लो, हम सब मेहनत कर रहे हैं, आपको करना है, सब्सक्राइब करना है, फल मिलना चाहिए। ओके दोस्तों, बाय।